नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वर आला म्यूजिक। दोस्तों, आज का राग है राग वृंदावनी सारंग। जैसे कि हम और आप सभी लोग जानते हैं, जितने भी बॉलीवुड सॉन्ग है, फिल्मी गीत जिसे कहते हैं, उसका एक आधार होता है राग। हर गीत किसी ना किसी राग पर आधारित होता है, यानी कि बेस्ड ऑन फला फला राग। लेकिन ऐसा नहीं कि प्योरली, क्योंकि वो एक लाइट म्यूजिक है, फिल्मी गीत लाइट म्यूजिक है, प्योरली राग नहीं है, बट राग पर आधारित होता है। तो आज मैं यही बात आपको बताने वाला हूं कि राग पर क्या चीज मिलनी चाहिए, तो तभी राग आखिर क्यों बोला कि इस राग पर आधारित है। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं राग वृंदावनी पर आधारित दो गीत बता रहा हूं आपको, और बहुत ही शानदार गीत है दोनों। एक गीत है जो अभी मैंने बजाया, कार्य कार्य बादरा, जारे जारे बादरा, मेरी अटरिया न शोर मचा, कार्य कार्य बादरा। अच्छा, एक गीत ये हो गया। दूसरा गीत है जादूगर सैया छोड़ो मेरी बैया, ये भी सुपर डुपर हिट फिल्म सॉन्ग है। तो ये दोनों गीत हैं। गीत तो और भी बहुत हो सकते हैं, लेकिन मैं यहां उसको आपकी पकड़ में आ जाएगा तो आप ये समझ लेंगे कि आखिर क्या चीज मैच होती, क्यों कहते हैं हम कि ये राग पर बेस्ड है। दोस्तों देखिए, राग वृंदावनी सारंग, राग वृंदावनी सारंग एक औड़ब जाति का राग है, यानी सा रे मा पा नी सा। एक इसकी एक खासियत है कि जब आरोह करते हैं तो नी शुद्ध लगता है, ये सा रे मा पा नी सा। इसमें गा वर्जित है और धा वर्जित है, तो सा रे मा पा नी सा, यानी शुद्ध नहीं लिया सा पे जाने के लिए तार सप्तक में। जब अवरोह करते तो सा नी पा मा रे सा, यानी पांच ही पांच स्वर लग रहे हैं सिर्फ। तभी तो हम बोलेंगे ये राग का जो चलन के अनुसार कोई अगर फ्रेज उसमें सूट करता है, तभी तो हम कहते हैं कि राग पर आधारित है। तो देखिए, तो आपको ये सब, और फिर नी सा, इसका चलन ये भी है, नी सा रे मा पा नी सा, सा नी पा मा रे सा नी सा। और हम नीचे स्वरों में जाएंगे तो सा के बाद सा नी पा, सा नी पा, कोमल नी लगे। और अगर यहां से पा से सा पे आएंगे तो पा नी सा, शुद्ध नी लगे पा नी सा। तो इस राग में यही बस ये है, इस पर आधारित है। और इसमें और स्वर संगतियां देखी जाती हैं, कौन विशेष स्वर संगति, ऐसे सा रे मा पा नी सा, सा नी पा मा रे सा, पा मा रे सा, ये भी एक स्वर संगति होती है, पा मा रे सा नी सा। और पा नी सा, ये स्वर संगति है। तो देखना आप इसमें कितना मैच होता है। अब जैसे मैंने कहा था कारे कारे बादरा, जारे जारे बादरा, मेरी मेरी अटरिया ना सोरो मचा, कर कर बादरा, नीस आ गया बादरा, कर कर बादरा, जारे जारे बादरा,
मेरी अटरिया न शोर मचा कर बादरा। इसमें क्या है, इस गीत में सिर्फ ये मान के चले कि राग में धा वर्जित होता है वृंदावनी सारंग में, लेकिन ये लाइट म्यूजिक के नाते इसमें इस्तेमाल कर लिया क्योंकि वेस्ट है उस पर। तो राग गाने की एक खूबसूरती बढ़ाने के लिए, सुंदरता को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त तो स्वरों का प्रयोग कर लिया, जिसे विवादी स्वर कहते हैं। तो ये जो है ना, और उसी हिसाब से मैं सुनाई देता हूं, करे करे बादरा जारे जारे बादरा मेरी अटरिया न शोर मचा कर बादरा काहे को जगाया ओ बेरी मैं तो सोई थी काहे को जगाया ओ बेरी मैं तो सोई थी पापी तू क्या जाने मैं सपनों में खोई थी पापी तू क्या जाने मैं सपनों में खोई थी आँखों से मेरी नींदिया उड़ा कर कर बादरा जारे जारे बादरा मेरी अटरिया न शोर मचा कर कर बादरा। अब आपको पता चल गया होगा कि राग वृंदावनी सारंग ही है और बहुत शानदार गीत है। इसमें स्वर वही लगे राग वृंदावनी सारंग के, सिर्फ मैंने धा स्वर को एडिशनल स्वर के नाते प्रयोग हुआ है। एक ये गीत हो गया। दूसरा एक गीत और है बहुत शानदार, नागिन फिल्म का है, और ये जो गीत मैंने अभी सुना है कार्य कार्य बादरा, ये फिल्म भाभी का है और लता जी का गाया हुआ है, ताल कहरवा पर है। दूसरा गीत है जादूगर सैया छोड़ो मेरी बैया, ये भी लता जी का गाया हुआ है नागिन फिल्म का और कहरवा ताल पर है। और दूसरा गीत देखें जादूगर सैया छोड़ो मेरी बैया, जादूगर सैया जादूगर सैया रे सा नीसा जादूगर रे रे सा सा नीसा, चलन राग का वही है। जादूगर सैया छोड़ो मोरी बैया हो गई आधी। इसमें भी एक्स्ट्रा स्वर लग गया, जैसे धा लगा दिया इसमें कोमल धा और कोमल गा, ये अतिरिक्त स्वर लगाए हैं, लेकिन उसके अलावा पूरा राग पर आधारित है ये। कैसे हो गई आधी रात अब घर जाने दो, देखो पमरे सनी सा हो गई आधी रात आ गया मारे मारे अब घर जाने दो पमरे सनी सा, मतलब आ गया ना फ्रेज पमरे सनी सा अब घर जाने दो। और फिर देख
जाने दो आ गया ना पा नीनी शुद्ध नीनी जाने दे ओ रसिया मेरे मनो बसिया मारे देखो फ्रेज मारे सा पा मारे सा कुछ फ्रेज जो भी आए समझ लो राग वृंदावनी सारंग है उसी में फ्रेज नीसा मारे सा नीसा प मारे सा नीसा पानी सा तो आपकी समझ में आ गया होगा कि ये राग वृंदावनी सारंग है क्योंकि ये क्या है कि जो लाइट म्यूजिक होता है उसका आधार मान के राग का आधार मान के गीत बनता है लेकिन कुछ विवादी स्वर राग की उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए खूबसूरती बढ़ाने के लिए गाने की उसमें प्रयोग कर लिए जाते हैं तो लेकिन आपके समझ में आ गया होगा कि राग वृंदावनी सारंग कैसे हुआ है आप खुद महसूस कर सकते हैं कि क्यों कौन सा राग है इसमें दोनों धागा प्रयोग कर लिया गया है कोमल भी और शुद्ध भी जैसे जन जंजीर पड़ी मेरे हाथ अब घर जाने दो तो कहने का मतलब दोस्तों कि अब राग का ये मीनिंग समझ गए होंगे कि कहीं ना कहीं उसके फ्रेज मिलते हैं स्वर संगतियों का प्रयोग होता है जो विशेष मुख्य स्वर संगतियां होती राग की चलन के अनुसार ही वो फ्रेज बनते हैं और फ्रेज इसमें प्रयोग किए जाते हैं तभी वो राग के ऊपर आधारित होता है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा। नमस्कार आपका दिन शुभ हो।